नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस की सरकार के आते ही शराबबंदी करने की बात कही थी। यदि सदन में ये संकल्प सर्वसम्मति से पास हो जाता तो गांधी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं होती। गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर गांधी जी के इस सपने को पूरा किया जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की विचारधारा को लेकर 3 लाख गांवों तक जाने का लक्ष्य रख दिया है और मुझे लग रहा था कि गांधी पर चर्चा होगी तो इस अवसर का लाभ उठाया जाएगा। कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी जिसकी चर्चा 150 साल तक होगी। उन्होंने महात्मा गांधी पर कहा कि वह अकेला व्यक्ति उस सल्तनत को चुनौती देता था जिसका कभी सूरज डूबता ही नहीं था। दूसरा, यदि संकल्प लेके आए हैं तो ये संकल्प लेके आते हैं कि पूरा विधानसभा संवेद स्वर में ये तय करता है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, तो हम सब तैयार थे। तो तैयारी, बड़ी घोषणा करना है तो बड़े घोषणा करो, पुराने घोषणाओं को रिपीट करने की जरूरत नहीं।